इसका साउंड कहता है। ओ हो ओके हियर वी गो। ओरिजिन लैब वाला लगा लेते हैं भाई थोड़ा सा। ऑल्सो स्पोर्ट्स टर्बो है, रेस टर्बो है, रेस टर्बो विद एंटी लैग है। देखो टर्बो लैग कैसा था भाई यहाँ पे, टर्बो लैग है इसमें अभी। अरे बाहर नहीं। स्वागत है आप लोगों का एक ब्रांड न्यू वीडियो में यार। आज हम लोग खेलने वाले हैं फोर्ज़ा होराइज़न 5 यार। बहुत दिन हो गया भाई मैंने फोर्ज़ा होराइज़न 5 को नहीं टच किया, आई मीन बहुत दिनों से खेला ही नहीं भाई मैंने फोर्ज़ा होराइज़न 5। बट रिसेंटली अभी इसमें ना मेरा एक फेवरेट कार ऐड हुआ है भाई, इसीलिए मैंने सोचा यार क्यों ना मैं आप लोगों को वो कार बताता हूँ भाई। आप लोग भी अभी ऑब्वियसली इसको अनलॉक कर सकते हो अगर आप लोग फोर्ज़ा होराइज़न 5 खेलते हो एंड फेस्टिवल प्लेलिस्ट चैलेंज कंप्लीट करते हो। भाई ये जो कार है ना ये है टोयोटा सोरर। बेसिकली इसका ना एक लेक्सस का भी आता है ST300 आई थिंक ST300 ही है जो टोयोटा सोरर का ही पूरा चैसिस है, बट वो लेक्सस वालों ने लाइक बनाया था। बट यार हम लोगों को उससे क्या करना है भाई, अभी तो हम लोग अनलॉक करने वाले हैं भाई अपनी टोयोटा सोरर। भाई अभी फिलहाल हम लोग ट्रिप कर रहे हैं अपनी प्यारी सी जेस को। भाई देख रहे हो बहुत क्विक गाड़ी है भाई, एक्चुअली बहुत क्विक गाड़ी है भाई। पूरा का पूरा फॉर्मूला ड्रिफ्ट वाले, इसमें मैंने लिवरी भी लगाया था। ऑल्सो इसके ऊपर पूरा एक वीडियो भी मेरे चैनल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना यार, आप लोग क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो भाई, जल्दी वीडियो को लाइक करो यार। एंड जो भी चैनल में नया ना, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो भाई। जल्दी से स्टार्ट करते हैं भाई अभी हम लोग अपना। मेरे को आई थिंक ना सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट चाहिए, आई थिंक एक पॉइंट हुआ भी है कि नहीं पता नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा। मैंने कंप्लीट किया था लाइक इसको 19 पॉइंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, सिर्फ और सिर्फ मेरे को एक पॉइंट चाहिए भाई। यहाँ पे हम लोगों को टोयोटा सोरर 1997 की गाड़ी है, I mean, एक साल बाद ये मेरे बर्थ डेट के बाद लॉन्च हुआ था। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को एक चाहिए ना, शो मी द मनी, स्पेंड 25,000 क्रेडिट्स ऑन कार अपग्रेड। वाह भाई 25,000 भाई बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा है ये। लेट्स गो ये वाला अबार्थ को लेते हैं। एंड गाइस इसको ना एक बार ड्राइव करके देखो भाई, अबार्थ एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है अपने इंडिया में अगर हम लोग करेंगे। एंड बहुत ज़्यादा मतलब कंपनी क्या बोलेंगे, अच्छा खासा बिग कंपनी है, बट इनकी गाड़ियाँ इनकी गाड़ियाँ भाई, ये वाली स्पेशली जो गाड़ी है भाई कितना स्मॉल है। एंड ऑब्वियसली भागेगा ही नहीं भाई, ये कुछ भी नहीं भागेगा। मैंने एक अबार्थ का एक वीडियो देखा था भाई, जिसमें ना उसको इतना खतरनाक वाला उसमें एंटी लैक ट्यूब लगा के रखा था, इतना क्रेजी बैक फायर था ना भाई कि मेरा मन कर गया था यार अबार्थ जैसी कोई सी गाड़ी आ जाए मज़ा आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली ये है फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी जो कि ड्रिफ्ट तो नहीं करेगा भाई। लेट्स गो भाई, हम लोगों को 25,000 करना है ना। वेट अ सेकंड, आप लोगों को दिखाता हूं भाई, पैसे बहुत है मेरे पास, बहुत ज्यादा पैसे हैं गाइस। बेस्ट ड्रैग, वाह भाई अबार्थ को भी ड्रैग ट्यून बना के रखा है तो भाई इसी को करते हैं। कितना यहाँ पे हुआ स्पेंड, 95,000 भाई, ठीक है यार चलो चलेगा यार इतना तो। भाई साहब अभी हम लोगों ने कर लिया एंड आई थिंक हम लोगों का ना टोयोटा सोरर अनलॉक हो चुका होगा। बट इसका साउंड सुनो, व्हाट भाई साहब, व्हाट इज दिस, वेट अ सेकंड एक बार इसको ड्रैग करते देन हम लोग चलते हैं भाई टोयोटा सोरर लेने, एंटी लैक ट्यून है ना। ओके हियर वी गो, लॉन्च कंट्रोल 3, 2, 1 एंड गो। भाई साहब कितना क्विक हो गया है पहले से ना। मैन ड्रिफ्ट तो नहीं होगा, मैंने ड्रैग ट्यून लगाया तो भाई इसको ड्रिफ्ट करने की कोशिश नहीं करनी थी, बट यार आई एम ड्रिफ्टर, मेरा ना मन मचल जाता है भाई गाड़ियों को ड्रिफ्ट करने का। भाई साहब अभी हम लोग ड्रिफ्ट बिल्ड बनाने वाले हैं जो अभी हम लोगों ने अनलॉक किया है। गाइस हो चुका है अनलॉक एंड हियर वी गो, प्रेस करो, यू हैव अर्न बैक पास, ठीक है यू कैन रिडीम। व्हाट, मेरे को वो अनलॉक करना है ना, वो हुआ कि नहीं भाई, हुआ कि नहीं, कंप्लीट दिखा रहा है। अ न्यू कार हैज बीन एडेड टू योर गैराज, 1997 टोयोटा सोरर 2.5 GTT। भाई साहब खतरनाक नेम। ओके वेयर इज माई न्यू टोयोटा, वन ऑफ माई फेवरेट टोयोटा, आई मीन ओल्ड टाइम की जो JDMs रहती है ना ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका लेक्सस का जो मॉडल है ना वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली फॉर ड्रिफ्टिंग, क्योंकि ना इसका प्रॉपर मेरे को लगता है इसका चैसिस ड्रिफ्टिंग के हिसाब से है। भाई देख रहे हो इतना स्लीक लुक है पहले के कंपैरिजन में ना, लाइक 97 की गाड़ी है भाई, कितना ज्यादा स्लीक लुक है भाई। इसका साउंड कहता है, ओ हो भाई मेरा गियर शिफ्टर दिक्कत दे रहा है, आई नो। हाँ भाई न्यूट्रल में भी ये थर्ड गियर लगता है यार। अरे यार सही हो ना, क्या हो गया। हियर वी गो भाई साहब, क्या साउंड है इसका,
फर्स्ट पर्सन चले मैन डिजिटल मीटर 1997 की गाड़ी में इतना क्रेजी वाला मीटर है गाइस, मतलब क्या ही बोलेंगे यार। एंड थोड़ा बहुत स्लाइड मारा था इसने, आई थिंक ऑब्वियसली यार टॉक में उतना प्रॉपरली नहीं होगा बिकॉज देख रहे हो किस तरीके से बाउंस भी कर रहा है। ऑल्सो डिफरेंशियल लॉक नहीं है भाई, इतना पावर तो नहीं है कि इसमें कि भाई ओपन डिप में भी ये ड्रिफ्ट कर पाएगा। आई मीन बहुत ही दिक्कत होता है स्पेशली कोई भी गाड़ी को ड्रिफ्ट करना ओपन डिफरेंशियल में। ये भी देखो हल्का सा मैं लेफ्ट फुट ब्रेकिंग दे रहा हूँ ना, थोड़ा सा इसका एंगल ज़्यादा बनना स्टार्ट हो चुका है भाई। अभी इसको हम लोग प्रॉपरली ड्रिफ्ट बिल्ड बनाने वाले हैं गाइस। इसका स्टॉक इंजन रखूंगा मैं, इसमें हम लोग इंजन स्वॉप तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे यार, मेरे को बिल्कुल मन नहीं करता है इंजन स्वॉप करने का। स्टॉक इंजन में ही ट्यूनिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है। लेट गो हियर भाई, ऑफ रोडिंग में आई मीन ड्रिफ्ट तो करेगा ज़्यादा ही, स्लाइड मारेगा मेरे को इतना तो पता है। हियर वी गो भाई रोड, अरे ड्रैग स्ट्रिप आ चुके हैं भाई, यही से हम लोगों का स्टार्ट होगा जर्नी। वेट अ सेकंड, 360 ओहो वापस क्यों यार, पावर कम है भाई इसीलिए वापस चले गया। बट यार इसका इंटीरियर मेरे को बहुत पसंद आ रहा है भाई, बहुत पावर है गाइस, पूरा मेरे को पीछे ढकेल रहा है भाई साहब, इतना दर पावर यार। अभी नहीं है पावर, अभी हम लोग पावर ऐड करेंगे गाइस डेफिनेटली। ये अभी ना 180 हम लोगों ने देखा, 180 से तो बहुत ज्यादा जाएगा ड्रिफ्ट ट्यूनिंग में। लाइक इसका इंजन जो अपग्रेड होगा ना भाई, टर्बो लगाऊंगा मैं इसमें एंड एंटी लैग आई डोंट नो। लेट गो यार, लेट गो भाई, टाइम पास नहीं करना है यहाँ पे, अभी हम लोग चलते हैं यार। मैं ना कंट्रोलर तोड़ दूंगा गाइस, आप लोगों को पता है मेरा कंट्रोलर बहुत डिस्कनेक्ट होता है, बार बार डिस्कनेक्ट होता है। हियर वी आर एट द गैराज भाई, इसमें आई थिंक जो लिवरी भी मिलेगा ना हम लोगों को, अच्छे खासे लिवरी देखने को मिलेगा मेरे को उम्मीद तो है भाई, क्योंकि टोयोटा ये जो मतलब सोलर है ना बहुत लोग पसंद करते हैं भाई। यहाँ पे हम लोगों का स्टॉक इंजन प्रोड्यूस कर रहा है 276 HP, आई मीन बहुत ज्यादा बोलेंगे भाई, ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा है भाई। 276 रियर व्हील ड्राइव फ्रंट इंजन भाई, मतलब ड्रीम गाड़ी है भाई ये मेरे लिए। नाउ ड्राइव ट्रेन स्वॉप ऑब्वियसली नहीं करेंगे भाई, रियर व्हील ड्राइव को रियर व्हील ड्राइव ही रखना है। लेट्स सी बॉडी किट में, ओके वी डू हैव बॉडी किट अवेलेबल, ओरिजिन लैब समथिंग, फोर्जा वाला तो नहीं लगाएंगे। वेट अ सेकंड, इसका प्रॉपरली बॉडी किट नहीं है भाई, अवेलेबल नहीं है। ओके हियर वी गो, ओरिजिन लैब वाला लगा लेते हैं भाई, थोड़ा सा न्यू दिखाना पड़ेगा भाई यार। सामने का ही सिर्फ लगेगा क्या, रियर बम्पर फिर अजीब सा लगेगा ना, स्पॉइलर मैं नहीं लगाऊंगा अभी। ओके बम्पर में है, बम्पर में ऑप्शन है। ओके ओरिजिन लैब साइड स्कर्ट्स में भी होना चाहिए भाई, स्पॉइलर नहीं लगा रहा यार, विदाउट स्पॉइलर मजा आता है मेरे को ये। नाउ टायर्स अपग्रेड भाई, ये सब तो चीज मैं बहुत जल्दी कर लूंगा यार। इसको हम लोग स्ट्रीट बिल्ड बनाते हैं, लाइक प्रॉपरली ड्रिफ्ट का नहीं करेंगे, अपग्रेड इंजन में पूरा करूंगा लेकिन स्ट्रीट पार्ट अपग्रेड करते हैं। ये भी को मैंने सेलेक्ट कर लिया भाई, स्ट्रीट टायर का साइज ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली यार उतना पावर अभी आई डोंट नो मिलेगा कि नहीं। टायर का साइज पहले आई मीन रिम का साइज बढ़ाएंगे भाई, ये तो मजा आएगा। कितना 19 इंच, नहीं भाई 18 इंच करते हैं ना भाई, रुक जाना 18 इंच ठीक है, 18 इंच इज ओके, आई थिंक 18 इंच डिसेंट दिखता है, डिसेंसी मेंटेन करता है गाड़ी। नाउ एलॉयज में यार, फिर से एलॉयज यार, मेरा दिमाग खराब हो जाता है एलॉयज में सीरियसली, बट करना तो पड़ेगा यार। ये भी सिंपल सा है, अच्छा लग रहा है, 3 पीस 2 पीस समथिंग कुछ नहीं है। ओके ये ओके, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, इसी को लगाते हैं भाई, 19 इंच में अच्छा भी लग रहा है। टायर साइड पूरा कंप्लीटेड है, इंजन में हम लोग लास्ट में चलेंगे। स्ट्रीट क्लच स्ट्रीट डिफ आई मीन स्पोर्ट्स का ही ट्रांसमिशन, स्पोर्ट्स ही लेना पड़ेगा आई थिंक सो ना, सिर्फ रेस है हम लोगों को ट्रांसमिशन इसलिए लेना पड़ेगा स्पोर्ट्स में बिकॉज हम लोगों को भाई गियर ट्यूनिंग भी करना है। स्ट्रीट का ड्राइव लाइन डिफरेंशियल ऑब्वियसली यार, यहाँ पे हम लोगों को डिफरेंशियल को स्पोर्ट्स है रैली है भाई, ड्रिफ्ट ही डालेंगे यार, ड्रिफ्ट का ही करना पड़ेगा वो, बाद में हम लोगों को चेंज करने का ऑप्शन देता है बेसिकली। स्ट्रीट ब्रेक्स सस्पेंशन स्ट्रीट का डालेंगे भाई, मैंने बोला आप लोगों को सब कुछ स्ट्रीट करते हैं। स्पोर्ट्स का ये एंटी रोल बाल का बार बाल नहीं भाई बार एंटी एंटी रोल बार, हाँ भाई ठीक है भाई, मेरे मुंह से फिसल गया भैया, ऐसा लग रहा है गंदा स्लिप कर रहा है। ओके स्ट्रीट वेट रिडक्शन कर लिया गया है, नाउ इट्स टाइम टू अपग्रेड द इंजन गाइस। स्ट्रीट इनटेक भाई आखिरी में देखेंगे, 276 HP देखा था हम लोगों ने। स्ट्रीट फ्यूल सिस्टम, स्ट्रीट इग्निशन, स्ट्रीट वाल्व्स भाई, स्ट्रीट कितना कम तो नहीं पड़ेगा यार। एग्जॉस्ट सुन लेते हैं, ये हो गया स्ट्रीट का एग्जॉस्ट। ओहो ओहो
भाई ये क्या है भाई, ये स्टॉक एग्जॉस्ट ऐसा सुनाई दे रहा है। अभी हम लोग इसमें लगाएंगे रेस। साइलेंट हो गया ऐसा लग रहा है, ग्लिच है क्या? बट नहीं भाई, हम लोग स्ट्रीट ही लगाएंगे सब कुछ। हम लोग स्ट्रीट करने वाले, जैसे मैंने बोला था आप लोगों को यार, यहाँ पे मैं कुछ भी स्ट्रीट के ऊपर नहीं जाऊँगा। बट यहाँ पे अभी हम लोगों को सस्पेंशन स्पीड पिस्टन लगाना पड़ जाएगा यार, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। स्ट्रीट ऑप्शन तो है ही नहीं, स्पोर्ट्स लगा लेते हैं। चलो यार, मजबूरी में करना पड़ेगा ये सब। ऑल्सो स्पोर्ट्स टर्बो है, रेस टर्बो है, रेस टर्बो भी कैंडी लग गया है भाई। यहाँ पे स्पोर्ट्स टर्बो ही लगाएंगे भाई, जो भी स्ट्रीट या स्पोर्ट्स है ना उसी को लगाएंगे भाई। यहाँ पे हम लोग उसके ऊपर नहीं जाना है। नाउ सब कुछ अपग्रेड कर लिया है भाई। कितना एचपी होगा? आई थिंक 600 होगा, 585 एचपी। आई थिंक मोर देन इनफ रहेगा भाई ये गाड़ी को ड्रिफ्ट करने के लिए। लेट्स गो। इसमें हम लोगों को प्रॉपरली ट्यून करना पड़ेगा, मेरे को इतना तो पता है, क्योंकि 585 एचपी आई थिंक यार देखो ऐसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होता है, बट फोर्ज़ा में इतने लॉन्ग लॉन्ग टर्न्स है ना कि उसको कवर करने में थोड़ा सा फिर वो रहेगा, थोड़ा डिफिकल्टीज होगा। नाउ मैन हियर वी गो। भाई साहब यहाँ पे देखो कितने क्रेजी क्रेजी भाई, स्पंजबॉब का देख रहे हो ये, स्पंजबॉब स्क्वायर पैंट्स, रेड ड्रैगन मैन, क्या है भाई ये, क्या क्या बना के रखे हैं भाई लोग, खतरनाक खतरनाक बना के रखे हैं। आई थिंक यार ये ना ओल्ड स्कूल पिंक मेरे को अच्छा लग रहा है, ये ओरिजिनल लैब वाला भी अच्छा लग रहा है, बट ना 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 मैं एकदम क्लासी, एकदम लाइक बोलते ना, आई मीन ये थोड़ा ना स्लीपर बिल्ड हम लोग इसको बोल सकते हैं गाइस। जब लोग देखेंगे तो यार बोलेंगे क्या पिंकिटी पू लेके आ गया, बट मेरा कंट्रोलर, ओके आई थिंक मेरा कंट्रोलर एक्चुअली डेड हो रहा है भाई। यहीं पे रिसीवर है उसके सामने में, लेकिन भाई अभी कर रहा है काम, लेकिन अभी भी सही से काम नहीं कर रहा। देखो कैसे हो रहा है, मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ, कहाँ जा रहा है, दिमाग खराब। ओके अब काम कर रहा है, वाह मारना पड़ा था लेकिन आई तो मैंने खराब कर दिया गाइस। ये देखो इसको, ये लॉक हो जा रहा है, वेरी नाइस यार। आज घाटा हो गया यार, बट फायदा भी हुआ है यार। यहाँ पे अभी देखो भाई अपनी टोयोटा सोरर डोर ओपन करें, एंड अंदर का कितना क्रीमी लुक है मैन, एंड कितना ज़्यादा वो लग रहा है ना, प्रेसिडेंशियल लाइक एकदम पूरा गाड़ी है। इसमें ऑटोमेटिक गियर शिफ्टर क्यों दिख रहा है? हम लोगों ने भाई मैनुअल लगाया है, ऑब्वियसली इसमें मॉडल में ऐसा है, बट अभी हम लोगों ने इसमें मैनुअल गियर शिफ्टर इंस्टॉल किया है भाई, तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे अपना मोजा का शिफ्टर यूज करने वाले हैं फॉर ड्रिफ्टिंग। रियर बॉनेट में भी बहुत ज़्यादा स्पेस है भाई, अच्छा खासा स्पेस है। हियर वी गो भाई, इंजन भी ओपन होगा क्या? प्लीज़ इंजन भी ओपन हो जा। हाँ यार फोर्ज़ा क्या कर रहे हो भाई, करना चाहिए तो अच्छे से करना चाहिए ना। लेट्स गो भाई, ड्राइव करके देखते हैं अभी इसको। व्हाट, एंड ये सही हो गया, ये सही हो गया गाइस। व्हाट भाई, आप लोगों को इसका लुक कैसा लग रहा है ये मेरे को आप लोग बताओ भाई। इसमें जो अलॉयज है वो भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ना। वेट अ सेकेंड भाई, ये शिफ्टर भी तोड़ना पड़ेगा, थर्ड गियर में अपने से है। न्यूट्रल हो जा भाई, न्यूट्रल हो। व्हाट इज दिस मैन, ओके क्लच यूज करना पड़ेगा आई थिंक, सही में शिफ्टर भी खराब हो रहा है। ओके बहुत ज्यादा उससे लाइक आरपीएम भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, एंड साउंड भी बहुत ज्यादा लाउड है। लेट्स गो, हाउ विल दिस कार ड्रिफ्ट नाउ, दैट्स द मेन क्वेश्चन। हियर वी गो, फर्स्ट अटेम्प्ट। टर्बो लैग थोड़ा सा फील हुआ था यहाँ पे। ओके थर्ड गियर में होगा ड्रिफ्ट भाई। भाई भाई डिफरेंशियल लॉक करना पड़ेगा, भूल गया मैं, आई मीन ड्रिफ्ट का डिफरेंशियल डाला है, स्टिल ट्यूनिंग करना पड़ेगा अभी इसको, ट्यूनिंग की जरूरत है गाइस अभी बहुत ज्यादा। देखो टर्बो लैग कैसा था भाई, यहाँ पे टर्बो लैग है इसमें अभी। अरे बाहर नहीं, बाहर नहीं, बाहर नहीं, बाहर नहीं। ठीक है, लेट मी ट्यून दिस कार नाउ। तो मैंने ट्यूनिंग तो किया है, लेट फाइंड आउट। टर्बो लैग बहुत ज्यादा पीस में है भाई, टर्बो लैग एक्चुअली बहुत ज्यादा है गाइस, सीरियसली। ड्रिफ्ट कर, माय फेवरेट कार, ड्रिफ्ट कर, 500 एचपी में ड्रिफ्ट नहीं कर रहा है, थका गया मैं गाइस। गाइस कैम हो चुका है मेरे साथ, गाड़ी सही में ड्रिफ्ट नहीं कर रहा है। व्हाट भाई यार, ड्रिफ्ट करना, 2JZ इंजन है भाई इसमें, आई थिंक 2JZ ही होना चाहिए यार, ट्यूटर सोलर में 2JZ ही होता है यार, आई मीन साउंड तो उसी का है पूरा। ओके
हैंडब्रेक एंट्री इज गुड बट उसके बाद दिक्कत कर रहा है, स्पीड टर्बो में बहुत ज्यादा टर्बो लग गया गाइस। यार लेकिन यार मेरा बहुत ज्यादा मन है यार इसको प्रॉपर ड्रिफ्ट बिल्ड बनाने का। यार मैं एक काम करता हूँ, 500 अराउंड एसपी का ना कोई सा वो ढूंढता हूँ, क्या बोलते हैं ट्यूनिंग, ट्यून में हम लोग देखते हैं 500 एचपी के अराउंड में कौन सा अच्छा ड्रिफ्ट ट्यून है, लेट्स फाइंड आउट। यस इसमें 1 जेजी है, 2 जेजी नहीं है, 1 जेजी ही है, 693 एचपी का है भाई साहब। 1200 एचपी बना देते हैं यार 2 जेजी लगा के। यार 699 है जो कि ठीक लग रहा है, लेकिन यार 500 अराउंड नहीं है क्या यार 500 भाई साहब 1200 एचपी क्यों बना देते हैं, वो तो लाइक इजिली ड्रिफ्ट कर जाएगा भाई। ये देखो चिल स्टाइल ड्रिफ्ट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम हो गया है भाई, 397 एचपी हो चुका है यार। आई डोंट थिंक सो अराउंड 500 एचपी का हम लोगों को मिलेगा, 400 था वो वाला, 564 एचपी मिला तो है। न्यूबी, आई एम नॉट ए न्यूबी ना, पहला वाला लगाते हैं भाई, 1 जेजी जो उसने बोला ना वाला लगाते हैं। कहाँ गया, ये है 1 जेजी रियर व्हील ड्राइव ड्रिफ्ट 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 693 एचपी हो। ओके ठीक है, लेट्स ट्राई दिस ट्यून गाइस, बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा मन है इसको प्रॉपरली ट्यून वो ड्रिफ्ट करने का। ओके लेट्स सी भाई, इसने रोल केज लगाया है, एलॉयज चेंज किया है, ड्रिफ्ट का सस्पेंशन ऑब्वियसली मेरे को दिख रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लो हो चुका है ये। नाउ हाउ विल दिस ट्यून ड्रिफ्ट, साउंड कैसा है? ओ व्हाट भाई, ये तो मैन ये स्कैम किया गया, 1 जेजी लिखा था लेकिन पूरा 2 जेजी का ही साउंड है। मेरे को ना गूगल सर्च करके देखना पड़ेगा भाई, एक्चुअली ट्विटर सर्वर में 1 जेजी आता है कि 2 जेजी आता है, एंड उतना खास स्लाइड भी नहीं मार रहा है भाई। भाई थक दिया है ये, हट जा ना मैन, ये बहुत घटिया ट्यून, बहुत ज्यादा घटिया ट्यून गाइस। भाई साहब स्कैम हो चुका है, एक और स्कैम आ चुका है भाई, फिर से मेरा कंट्रोलर यार, हो जाना यार, ले भाई तेरे को बगल में रख दूंगा उसके। ओके मेरे को ना एक दिखा था अराउंड 600 का टैंडम ड्रिफ्ट करके, एक गूसियस वाला भी एक है, गूसियस वाला नहीं लगा रहे लेकिन भाई ये है टैंडम ड्रिफ्ट। भाई टायर कंपाउंड स्नो लगा के रखा, छी घटिया, ए क्लास का ही ट्यून देखते ना, प्यूरिस्ट ड्रिफ्ट ठीक है 699 एचपी। ये भी गो, आई थिंक ये वाला प्रॉपरली ड्रिफ्ट करना चाहिए, प्यूरिस्ट लिखा है एकदम। रियर व्हील ड्राइव है ना, ऑल व्हील ड्राइव तो नहीं है ना, ओके रियर व्हील ड्राइव है। ओके नाउ लेट्स सी इसका साउंड, ये देखो भाई साहब, भाई साहब ये पूरा एकदम क्लीन कर दिया है, एकदम स्टॉक, लेकिन इंजन में अपग्रेडेड है भाई। टायर्स कौन से है, लेट गो भाई अभी। ओके ये हुआ ना स्लाइड गाइस, नाउ वी आर स्लाइडिंग। Here we go. Hi sahab, hard angle, proper angle एकदम। भाई चला, यही मैं बोला था 500 एचपी इतना थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है लाइक ये सारे लॉन्गर टर्न्स में, स्पेशली फोर्जा में। एसेल्टो कोर्सा में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, फोर्जा में थोड़ा सा इश्यू करता है ड्रिफ्टिंग में, पता नहीं क्यों। बट आई थिंक मैं सोच रहा हूँ ना हम लोग इसको जापान साइड लेके चलते हैं, यही टोयोटा सोरर को। एक सेकेंड, हम लोग ना कस्टम मैप लोड करते हैं गाइस, विल गो टू इवेंट लैब, देन यहाँ पे हम लोग सर्च में जाएंगे एंड यहाँ लिखते हैं जापान टोगे, लेट्स गो सर्च कर क्या आता है देखते हैं गाइस। पुआन के हिल टोगे, पता नहीं क्या भाई, बहुत लोग खेले हैं एक्चुअली। द गुनसाई टोगे इन रियल, वाओ गुनसाई है भाई, गुनसाई चलते हैं बिकॉज लाइक विजिट करने का बहुत मन है मेरा यहाँ पे भी सोलो। एंड भाई क्लास सेम रखेगा ना, यस ये सेम भाई, स्नो टायर्स लगाया तभी स्नो टायर्स बड़े से थे, इसीलिए ना मेरे को थोड़ा ड्रिफ्टिंग करना फोर्जा में पसंद नहीं आता, बिकॉज इसमें ना लोग कुछ भी ड्रिफ्ट कार बना देते हैं। एसेटो को सर ड्रिफ्टिंग के हिसाब से परफेक्ट है गाइस। एंड गाइस अब हम लोग यूज करेंगे अपना सिक्वेंशियल शिफ्टर, बेसिकली मैंने ना आप लोगों को दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है यहाँ पे, इसमें मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा डंडा लगा दूंगा जिससे आप लोगों को और अच्छा विजिबल होगा। बट अभी फिलहाल मैंने इसमें ये करके रखा है, सिक्वेंशियल मॉड करके रखा है, जिससे हम लोगों का लाइक प्रॉपरली सिक्वेंशियल शिफ्टर जैसे वर्क करेगा ये देखो। ओके नाइस नाइस, भाई 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 कहाँ जा रहा है, ओ खतरनाक टूट गया। ओके लेट्स सी, हियर वी गो, हैंड ब्रेक भाई इतना क्रेजी, ये क्या रैली रैली के लिए बना के रखे हैं क्या, गुंसाई जैसा तो नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, लेट फाइंड आउट। फोर्थ गियर,
थोड़ा आदत नहीं है मेरे को सीक्वेंशियल का, सच बोलूं तो मैं गियर ड्रॉप कर ही नहीं पा रहा था यहाँ पे। वेयर इज गुमसाई मैन? गुमसाई ऐसा तो नहीं दिखता यार। ओके आई थिंक यहाँ से स्टार्ट होने वाला है क्या? एक अंधा क्रैश। ओके यहाँ से स्टार्ट होता है गुमसाई। यस 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 आई थिंक सो। ये वाला घर रहता है, देन सामने जाते हैं। हाँ दो रास्ता कटेगा, ठीक है ठीक है, अब होगा प्रॉपर गाइस। अब मेरे को याद आ गया गुमसाई। इसमें पत्थर है लेकिन रियल लाइफ में तो रेलिंग ही है भाई साहब। एंगल देख रहे हो क्या, क्रेजी एंगल मिल रहा है भाई इसमें। गाइस इसका जो व्हील बेस है ना एंड जो बॉडी चैसिस है बहुत लॉन्ग है, थोड़ा सा लाइक लोग अवॉइड भी करते हैं नैरो रोड में इसको ड्रिफ्ट करने के लिए, बिकॉज कंपैरेटिवली इससे शॉर्टर चैसिस वाली गाड़ियाँ भी आती हैं जो अच्छे से ड्रिफ्ट होती हैं, जैसे सिल्विया को बोल सकते हैं हम लोग। आई थिंक ये उससे तो लॉन्गर ही है भाई, मैंने रियल लाइफ में देखा नहीं है, बट दिस कार इज एक्चुअली ड्रिफ्टिंग लाइक अ प्रो भाई साहब। गुमसाई में गाइस ये सारे जो मैप्स है ना एसेटो कोर्सा में एकदम भाई कट टू कट रियल टाइप का पूरा बनाया गया है। अगर आप लोगों को देखना है तो बताओ यार, मैं डेफिनेटली और ड्रिफ्टिंग के वीडियोस लाऊंगा, लेकिन एसेटो कोर्सा में भाई, एसेटो कोर्सा में जो ड्रिफ्टिंग है ना वो प्रॉपर है भाई, वो फुल रियलिज्म है उसमें, सिमुलेशन है मैन वो तो। ये तो फोर्जा है, इसमें तो आप लोग कीबोर्ड से भी ड्रिफ्ट कर सकते हैं, बट इन एसेटो कोर्सा कीबोर्ड से ड्रिफ्ट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, ऑल्सो रिकमेंडेड भी नहीं है वो तो। अभी जो मैप में सेक्शन दिख आने वाला है ना भाई, ये है प्रॉपर ड्रिफ्टिंग के हिसाब से, लोग यहीं पे स्पेशली ड्रिफ्ट करते हैं अभी भी, बिकॉज यहाँ पे देख रहे हो कितने ज़्यादा टर्न्स है। बहुत ज़्यादा नैरो बना दिया भाई मैप को, चल 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 चल, चकराहा नहीं है, क्रेजी एंगल, ओह बच गया हल्का सा भाई, बच गया उसमें। यू टर्न है लेकिन यार देखो यार, ऑब्वियसली दिस इज फोर्जा, फोर्जा में कस्टम मैप है, आई मीन हैट्स ऑफ टू द क्रिएटर, बहुत अच्छा खासा उसने वर्क किया है, मेहनत किया है भाई। जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हुआ टर्न में, बिकॉज बहुत ज़्यादा वो भी ऊपर नीचे भी हो रहा है, आई डोंट नो क्या सीन है, बट ठीक है अभी हम लोग वापस सेम स्टार्टिंग पॉइंट में जाएंगे एंड यहाँ से हम लोग सीधा जा सकते हैं, वी कैन गो स्ट्रेट अहेड। ये वाला सेक्शन जो है ना मैं उतना लाइक रियल आई मीन एसेटो कोर्सा में भी इतना यहाँ पे सेक्शन में गया नहीं हो ज़्यादातर, इसलिए मेरे को याद नहीं था कि यहीं से तो हम लोग आए थे बेसिकली, एंड इसलिए मेरे को याद भी नहीं था ये। ओह भाई दिखा ही नहीं मेरे को, बट गाइस ये गाड़ी एक्चुअली में मेरा फेवरेट गाड़ी है भाई, मैं ना ड्रीम करता हूँ भाई ये गाड़ी कहीं मेरे को ऐसे इंडिया में पड़ा हुआ मिल जाए, कबाड़ के रेट में मिल जाए, हम लोग इसको प्रॉपरली बिल्ड करें एंड आप लोगों को मैं पूरा बिल्ड का वीडियो दिखाऊँ भाई। गोल है मेरा डेफिनेटली किसी ना किसी दिन पूरा होगा, बट फिलहाल तो यार अभी हम लोग को फोर्जा या एसेटो कोर्सा में ही ड्रिफ्टिंग के मजे करने हैं। गाइस अगर आप लोगों को और भी फोर्जा की वीडियोस देखने हैं ना, आप लोग कमेंट करके मेरे को बताओ, साथ में ये वीडियो पसंद आएगा ना जरूर से वीडियो को भी लाइक करना,